दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। मैं आपका दोस्त अभय कुमार आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। इस बार का जो टॉपिक है वो है मॉक ड्रिल, जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या कंस्ट्रक्शन हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी प्लांट हो, हर एक जगह पे इसको कंडक्ट किया जाता है। तो मैं आज आपके सामने बताने वाला हूँ कि मॉक ड्रिल क्या है, क्यों करते हैं, कब करते हैं और टाइप्स ऑफ मॉक ड्रिल, ताकि आपको ये हम अच्छी तरह से समझ में आए कि मॉक ड्रिल होता क्या है। चलिए, समय ना गंवाते हुए मैं आपके साथ अपने टॉपिक पे आता हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरा टॉपिक आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही लोगों के पास हम ये जो एक नॉलेज अवेयरनेस है, ताकि लोगों के पास नॉलेज हो पाए और कहीं ना कहीं हम किसी तरह का जाल माल का जो सुरक्षा है उसको हम कर पाए। तो इस बार का जो टॉपिक है वो है मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल होता क्या है, ठीक है? तो मॉक ड्रिल एक डमी होता है, उसको बोलते हैं नकली प्रैक्टिस करते हैं। नकली हम प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी हम एक सिनेरियो ले लीजिए। मान लीजिए कि एक फायर है, फायर अगर फायर होता है, इन केस फायर होता है, ठीक है, तो क्या होता है, एक सिनेरियो क्रिएट होता है कि हमारे यहाँ कहीं भी हम जिस लोकेशन पे काम कर रहे हैं वहां पे फायर ऑकर्ड हुआ। अगर फायर ऑकर्ड हुआ तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, एक हमारा एक प्रैक्टिस इमरजेंसी सिचुएशन होता है ना, वो हम प्लान बना के रखते हैं। हम जो प्लान बनाए हैं कि इन केस फायर जो होता है हमको ये स्टेप फॉलो करना है, स्टेप्स ये फॉलो करने हैं, तो उसको रीचेक करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉक ड्रिल कंडक्ट करते हैं। कि जो हमारा एक सिनेरियो हम क्रिएट करके रखे हैं और जो हमारा प्लान है कि इस तरह का सिनेरियो हो रहा है उसमें हमको ऐसे एक्ट करना है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में हम जो एक्ट कर रहे हैं वो क्या प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक ये प्रोसेस होता है रीचेक करने के लिए। क्या होता है, रीचेक करने के लिए हमारा कि जो हमारा प्लान है वो हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अगर कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो हम क्या होते हैं, हम इंप्रूवमेंट करने के लिए इसको इंप्रूव कर सकते हैं थ्रू इसके मॉक ड्रिल के। कि हम अगर मान लीजिए जो हमारा एक प्रोसेस है कि फायर ऑकर्ड हुआ, ठीक है, अगर फायर ऑकर्ड हुआ, फायर ऑकर्ड होता है तो हमारा प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हमारा इंफॉर्मेशन पास आउट होगा, इंफॉर्मेशन जो है पास होगा किसके पास, इमरजेंसी जो फायर कंट्रोलिंग टीम है उसके पास और जितने वर्क फोर्स है उनके पास, ताकि ये फायर हुआ है उस समय क्या होगा, हमारा कुछ इमरजेंसी सायरन रहता है वो हम ब्लो करते हैं कि भाई ये फायर ऑकर्ड हुआ है। उसके बाद लोग क्या करते हैं, सारे वर्क को स्टॉप करते हैं और असेंबली पॉइंट जो हमारा है, असेंबली पॉइंट पे सब लोग असेंबल होते हैं। क्यों तो होते हैं, क्योंकि हम वहां पे हेड काउंटिंग करते हैं कि सुबह जितने लोग आए थे उस समय प्रेजेंट हैं या नहीं है। इन द मीनवाइल जो इमरजेंसी का जो फायर फाइटिंग टीम है वो वहां पे जाएगी और वो फायर फाइटिंग करेगी। वो एक चेक करने का प्रोसेस होता है कि हमारा जो अपना प्लान बनाया है वो प्लान को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक इसका बेनिफिट क्या है, अगर हम मॉक ड्रिल करते हैं तो एक हमारा एक ट्रेनिंग का प्रोसेस है, एक पार्ट है ट्रेनिंग का, ये ट्रेनिंग का पार्ट है कि हम रियल टाइम जो होता है उसको हम ट्रेनिंग देते हैं कि हमारा इन केस फायर या कोई भी, जस्ट मैं फायर एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, अगर कोई इलेक्ट्रिकल शॉक हो गया, लिफ्टिंग टू स्टेकल्स का कोलेप्शन हो गया, इक्विपमेंट का कोलेप्स हो रहा है, तो इन केस रियल सिचुएशन में हमारा कुछ होता है तो हम कैसे उसे डील कर पाते हैं, वो चीज जानने के लिए जो हमने प्लान बनाया है वो प्लान रियली में एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, कहीं हमारा लैकनेस तो नहीं है, कहीं हमारा लैकनेस हो रहा है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम अपना मॉक ड्रिल करते हैं। पहला रीजन है कि हम अपना जो प्लान है वो हम रियली में एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसको रीचेक करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों के अंदर वो हैबिट डालने के लिए हम मॉक ड्रिल करते हैं। ओके,
ताकि इन केस रियल सिचुएशन, इन केस रियल सिचुएशन में जो हमारा प्लान है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो पाए। एक पॉइंट हो गया, सबसे जो मेन रीजन है कि हम वो बिल करते क्यों है। ओके, अब दूसरा आता है कि टाइप्स, टाइप ऑफ मॉक ड्रिल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग इसमें दो तरह से होते हैं कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि मॉक ड्रिल लोग बोलते हैं कि बता के करना चाहिए, बिना बताए करना चाहिए। तो मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं, इसमें टू टाइप है, ये टू टाइप है। वो टू टाइप कौन सा है? एक होता है जिसका नाम होता है मॉक ड्रिल, ठीक है, और एक होता है जिसको बोलते हैं हम ड्रिल, ठीक है। ये मॉक ड्रिल और ड्रिल में अंतर क्या है, डिफरेंस समझना जरूरी है। मॉक ड्रिल में क्या होता है कि हम जो उसमें तीन चार लोगों को ही पता होता है, एक तो होता है पार्टिसिपेंट जो उसमें पार्ट कर रहा है, दूसरा उसको जो कंट्रोल, जो हमारा ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, और जो ऑर्गेनाइज करता है, बस तीन ही लोगों को पता होता है कि हम आज ये इस पार्ट पे मॉक ड्रिल कर रहे हैं और उसको एक इमरजेंसी सिनेरियो बनाया जाता है। वो जो उसमें पार्टिसिपेट करता है वो एक्ट करता है कि मुझे इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया या आग लगा दिया या कोई भी चीज, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है, वो पार्टिसिपेंट को पता होता है। बाकी लोगों का एक्टिविटी देखा जाता है कि रियली में वो काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो जो उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो नहीं निभा रहे हैं तो वो एरिया होता है एरिया टू इम्प्रूवमेंट, वो एरिया होता है एरिया टू इम्प्रूवमेंट। तो पहला पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं अनप्लान्ड, अनप्लान्ड मॉक ड्रिल। इसमें हम बिना किसी को बताए हम ये क्या करते हैं, इमरजेंसी सायरन ब्लो कर देते हैं, जो कोड रहता है कि चलो इतना सेकंड ये ऐसे बजेगा, ऐसे होगा, तो रियल में इमरजेंसी हुआ है, तो हम क्या करते हैं वो ब्लो कर देते हैं और हम लोगों का रिएक्शन देखते हैं कि वो लोग एक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसे बोला जाता है मॉक ड्रिल, दैट इज अनप्लान्ड, ठीक है। अब दूसरा आता है, आप कहीं कहीं देखे होंगे कि प्लांट में क्या किया जाता है कि लोगों को इकट्ठा करके फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे चलाना जाए, कैसे चलाया जाता है, या फर्स्ट एड किसी को हो जाता है तो कैसे किया जाता है, या टू स्टेकल्स या कोई गाड़ी कोलैप्स कर जाए तो उसको कैसे ठीक किया जाता है, वो बताते हैं, ठीक है। तो वो दूसरे टाइप का, उसको बोलते हैं हम ड्रिल, उसको बोलते हैं ड्रिल, और उसको दूसरा वर्ड में बोलते हैं प्लान, प्लान। वो प्लान करके किया जाता है ताकि जो इमरजेंसी रहता है वो कभी कुछ होता है तो उस केस में सबको ट्रेनिंग दी जाती है, सबको अवेयरनेस दिया जाता है कि ऐसे होगा तो ऐसे हमको करना है। जैसे कि एग्जांपल, आप अगर फायर का ही ले लेते हैं, हम फायर का होता है तो हम क्या करते हैं, हर डिपार्टमेंट से लोगों को बुलाते हैं, सबके एचओडी को बोला जाता है कि भैया आज हमें ट्रेनिंग देने वाले हैं, वो लोग अपने अपने डिपार्टमेंट से अपने अपने इससे लोगों को भेजते हैं, वहां पे एक जगह असेंबल होके सबको बताया जाता है कि इस टाइप का फायर होगा तो ऐसे फायर फाइटिंग करना है, ऐसे विंड का डायरेक्शन देखना है, वो सारे चीजें जब उनको हम करके दिखाते हैं दैट इज कॉल्ड ड्रिल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं ड्रिल। तो इसीलिए मॉक ड्रिल को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटा गया है, एक प्लांट मॉक ड्रिल और एक अनप्लांट, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होने का, मॉक ड्रिल एक टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है फॉर द इन केस रियल सिचुएशन हाउ दे आर गोइंग टू बी रिएक्ट, इन केस रियल सिचुएशन वो कैसे जाके रिएक्ट करते हैं ये जानने के लिए मॉक ड्रिल ट्रेनिंग या मॉक ड्रिल अवेयरनेस किया जाता है। मॉक ड्रिल एक नकली अभ्यास, इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो उसको बोला जाता है नकली अभ्यास, ताकि इन केस सही में अगर कोई इमरजेंसी अकॉर्ड होता है तो अगर हम अभ्यास किए रहेंगे तो हम उसे आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। इसीलिए मॉक ड्रिल का सारांश जो बोला जाएगा वो यही होगा कि मॉक ड्रिल एक नकली अभ्यास है, किसी सही किसी मतलब रियल में कोई इमरजेंसी होता है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसी चीज का जो हम अभ्यास करते हैं उसे हम बोलते हैं मॉक ड्रिल। थैंक यू मेरे दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज थैंक यू।